यार जिस सर का वेट हो रहा था ना, अब आ रहे हैं यहाँ पे। अंदर में वेट कर रहा था पार्किंग में। वीर अरे जी भाई, देखे, मैंने आधा थार में बैठने का मौका मिला। मैं फर्स्ट टाइम थार में बैठ रहा हूँ, इससे पहले मैं कभी भी नहीं बैठा था। हाँ, एक पैशन होना चाहिए वीडियो का, क्योंकि मेरे जो ब्लॉगिंग है ये मेरे प्रोफेशन से बिल्कुल अलग से हटके है, लेकिन फिर भी ये मेरा पैशन है, मेरी फैमिली का पैशन है, तो हम लोग उसमें पूरा एंजॉय करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर। सो अभी जो है ब्रेकफास्ट किया तो फिलहाल तो मैं रेडी हो रहा हूँ। ऐसे ही पता नहीं कहीं घूम लेता हूँ, भटक लेता हूँ, कोई जगह मिले। बाकी शाम को जो है दुख निवारण साहिब जाएंगे। फिलहाल अच्छी खासी धूप है और अभी स्कूटी में चलता हूँ मैं। तो नेहरू रोज़ गार्डन पे मैं पहुंच गया हूँ। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे था जहाँ से मैं निकला घर से, और वहाँ से अंदर से एंट्री है। फिलहाल कैंपस देखिए यार, बहुत बढ़िया है। इधर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे लोग आते हैं बैठने शांति से। ये देखें, पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाते हैं ना। तो इधर कुछ बहुत बड़ा स्पेस है। अभी लाइव भी गया था तो बहुत लोगों से बात करी, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिलहाल कुछ ऐसा है, यहाँ पे पहाड़ बोल रहा मैं, पेड़ इतने सारे लाइन पे लगे हैं अपने लीजर खाली टाइम पे। यहाँ पे लोग आते हैं और फुल इंजॉय करते हैं भाई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे पेड़ पौधे देख करके। और बाकी फ्लावर थोड़ा कम ही है, क्योंकि देखो फ्लावर का सीज़न मेनली जुलाई अगस्त जो बरसात का टाइम होता है उसमें होता है, तो अभी इतनी ज़्यादा फ्लावर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है दोस्तों, वहाँ पे ना बच्चे खेल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए भाई, सीक्वेंस पेड़ों के ना बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं, बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पे। मतलब देखिए रास्ता है बीच में और आसपास, पर यहाँ पे प्यारे प्यारे जानवर भी सोए हुए हैं भाई, देखो ये फुल इंजॉय कर रहे हैं। ये भी एक स्पॉट है, सेंटर स्पॉट है इस पूरे गार्डन का, तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखो। पर इसमें पानी नहीं है यार, पानी होता तो और भी अच्छा लगता। बाकी इधर से तो देखिए यहाँ पे भी शायद वाटर हुआ करता होगा, पूरा फिल रहता होगा, लेकिन अभी है नहीं, खाली पड़ा हुआ है सूखा। यार जिस सर का वेट हो रहा था ना, अब आ रहे हैं यहाँ पे। अंदर में वेट कर रहा था पार्किंग में। वीर अरे भाई, देखे, मैंने आधा घंटा तेरे को पूरा गार्डन में ढूंढा। अच्छा अच्छा ढूंढा आपने? नेटवर्क बहुत स्लो था, मैसेज नहीं हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। अच्छा, मेरी स्कूटी लेकिन इधर ही है। हाँ, वो आप अंदर लगा दीजिए। नहीं उधर लगा रहा है, बस ठीक है। तो सर से मिलना था तो सर आगे देखो लेने के लिए, मैं आपका मैसेज का ही वेट कर रहा था। नहीं नहीं, मैं वेट एक्चुअली मेरे का नंबर भी नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी चेक कर रहा था मैं मैसेज के साथ, इंस्टा पे नहीं है मैं, जबकि गेट के सामने उधर ही बेंच पे बैठा था। ओके ओके, मैं एक्चुअली सारा गार्डन में घूमा, मैं रिप्लाई का मैसेज ढूंढ रहा था रिप्लाई के लिए। अच्छा, क्योंकि नेटवर्क स्लो था बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, तो देखो सर से मिल ही गए जैसे तैसे, कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, तो अभी कॉल आया तो पता चला नंबर ऐसे कमेंट अभी मेरे को। तो दोस्तों जैसे कि वीर जी हॉस्पिटल में मतलब काम करते हैं, तो यहाँ पे अर्जेंट काम पड़ गया था तो अभी यहाँ पे आए हैं। तो जैसे इमरजेंसी थी तो यहाँ पे सर के कैबिन में अभी हूँ मैं, बैठा हुआ हूँ। सर का कैबिन है यहाँ पे, अच्छा सा प्यारा सा, वो खाने के लिए रख दिया सर ने, जबकि मैं अभी खा के आया था लेट में, आज ब्रेकफास्ट किया था। तो फिलहाल अभी वेट करते हैं उनका फिर। तो मैंने लंच भी कर दिया है, भूख तो नहीं लगी थी, बट वीर जी लाए थे बड़े प्यार से तो मैं खा गया। तो यार सर जी आ चुके थे, इमरजेंसी थी तो वहाँ पे काम आ गया था। तो सर यहाँ पे मतलब अपने कैबिन में मतलब कुछ बैठा रखा है, अच्छा लग रहा है, खाना वाना खाया, अब चाय भी पिला रहे हैं सर। तो कॉफी कॉफी है, सॉरी कॉफ़ी है, कॉफ़ी यहाँ पे। और अच्छा लग रहा है कि मतलब जो सर है ना, एक्चुअली वैसे तो प्रोफेशन देखिए आप मेडिकल फील्ड से हैं, लेकिन ब्लॉगिंग भी करते हैं, कहीं कहीं इधर उधर जाते हैं और बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं। मैं इनकी वीडियोस देख रहा था तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट सब चीज़ें मिक्स रहती है, तो ऐसी वीडियोस बनाते हैं। तो सर अपना चैनल का नाम बताइए। हाँ, मेरे चैनल का नाम है NF Vlogs, जो है जो एक फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल है, जिसमें मैं, मेरी वाइफ और मेरी हमारी फैमिली जो है उसको हम एक साथ जो वीडियोस बनाते हैं। हाँ। और उसमें मोस्टली वीडियोस हमारी जो आउटिंग्स होती हैं, जब हम फ्री टाइम होते हैं तो हम आउटिंग में करते हैं, तो वो सारी वीडियोज हम उसमें डालते हैं। आप भी अगर हमारे चैनल में आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि ऐसे करके वीडियो बनाए, तो हम वो भी जरूर बनाएंगे। हाँ, जैसे ऑडियंस बोलते हैं वैसे ही करना होता है। हाँ
तो आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा यार, कि बहुत लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं, हफ्ते में एक एक वीडियो बनाऊंगा। पैशन, हाँ हाँ एक पैशन होना चाहिए, हाँ एक पैशन होना चाहिए वीडियोस का, क्योंकि मेरे जो ब्लॉगिंग है ये मेरे प्रोफेशन से बिल्कुल अलग से हटके है, लेकिन फिर भी ये मेरा पैशन है, मेरी फैमिली का पैशन है, तो हम लोग उसमें पूरा एंजॉय करते हैं। और काम पे लगे रहते हैं मॉर्निंग 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, तो कुछ ऐसा है। अच्छा देखो लगा सर से मिल करके, अरे मतलब मैं फैमिलियर, भी इतने अच्छे से बात, मतलब फैमिली मतलब फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं डॉक्टर साहब के सामने बैठा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा ऐसे ही। मैं भी भाई की वीडियोस का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई का, मैंने इनकी वीडियो देख के ये जब मेरे को पता चला कि लुधियाना में, तो मैं आज जाके स्पेशली इनको रोहतास से लेके आया कि नहीं भाई तू मेरे पास आ, 10 मिनट के लिए हम लोग बैठते हैं बातें करते हैं, क्योंकि हाँ इनके जो ये लोग कर रहे हैं, ये इनके फ्रेंड्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो एक अल्टीमेट वर्क है जो ये लोग कर रहे हैं अभी, क्योंकि एक मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अलग कम्युनिटी के होने के बावजूद भी ये लोग हम अगर हमारी कम्युनिटी को आगे ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं हमारे के लिए, तो एक इनको सल्यूट हमारी तरफ से बनता है, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम, रियली प्राउड। विद इन अ फ्यू डेज हम लोग जाएंगे साच पास, तो मैं आपको साच पास का सारा जो एक्सप्लोर है वहाँ पे करेंगे, क्योंकि अभी पास का जो कि मेरा ड्रीम प्लेस है, कभी ना कभी टाइम निकाल के जाऊंगा। अगर पहले ही देखना तो सर के थ्रू आप देख लीजिएगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है, मैं भी वेट करूंगा उस ब्लॉग का। बाकी ज़रूर दोस्तों बता, सब्सक्राइब का बटन जो है ना फोड़ दीजिए, उसको दबा दबा करके, इतने सब्सक्राइब होने चाहिए, तभी जाके मोटिवेट होता है कोई बिल्कुल यूट्यूबर या कोई ब्लॉगर अच्छे अच्छे कंटेंट देने के लिए। तो आप सपोर्ट करेंगे सर आपको, ज़रूर प्रोफेशनल के साथ साथ, प्रोफेशन के साथ साथ हॉबीज़ के जो है ब्लॉग अच्छे से बना के देंगे, ठीक है सर? थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, अभी ब्लॉग देख रहे हैं हम वीर जी का, तो उनका चैनल है NF ब्लॉग करके, तो लोधी फोर्ट के बारे में बनाया हुआ था, काफी अच्छा है, तो मैं देख रहा हूँ भाई, मुझे भी अभी जो है वापसी हो रही है, सर वहीं पे ड्रॉप करेंगे। चलो जी, थार में बैठने का मौका मिला, मैं फर्स्ट टाइम थार में बैठ रहा हूँ, इससे पहले मैं कभी भी नहीं बैठा था। दर्शन हो गए। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह सब कुछ ना, डिजिटल चीजें सब चीजें मिल जाती है, टोटली मार्केट है, टोटली अपना सॉबे हो गया, किप्टर विच मैकडी हो गया, अपने ब्रिस्टा हो गया, सीसीडी हो गया, टोटली सारी जड़ी शॉप ने इत्थे है के ने सारा दा। अच्छा, एरिया में सारा मंदिर भी है, गुरुद्वारा साहिब भी है और चर्च भी है। अच्छा, अरे वाह, ये बड़ी साथ 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 ही है सारा। तो मैं पहुंच चुका हूं रोज़ गार्डन पे, और सर का थैंक यू, इतना टाइम अच्छा स्पेंड हुआ एक फ्रेंड की तरह, मतलब मुझे ना, मुझे एज फैक्टर का कहीं पता चला कि मेरे से बड़े हैं, बहुत फ्रेंडली बात करी, बहुत प्यार से, अच्छा लगा, मतलब टाइम का पता ही नहीं चला। तो चलो अब सर ने छोड़ दिया है, तो मिलते हैं सर, कोशिश करेंगे संडे को मिलेंगे। हाँ, कोशिश हम लोग करेंगे कि हम लोग संडे को फिर मिलें और हम मिलके एक ब्लॉग बनाएंगे। हाँ जी हाँ, तो चलो सर को करते हैं बाय। और यार एक और हमारे जो है सर हैं, जो बड़ी प्यार करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, रेगुलर वॉचर हैं, तो उनके पास भी अभी मैं जाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली मैं मिल चुका हूँ जसविंदर जी बेदी सर से, जो कि मेरी वॉच करते हैं वीडियो लगभग सारी, और बहुत बातें करते हैं हमारे साथ कॉल पे वगैरह, उनके बेटे हैं, तो उनको भी मिलना था, क्योंकि बोल रहे थे सर कि जो है बेटे को भी मिलना है। तो अभी ट्यूशन से, कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में हूँ आज। जी बहुत बढ़िया। हाँ सर, हाँ जी, सबसे पहले तो वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कृपा सदका। इस साल की जो यात्रा 2022 दी चौहान वीर तकरीबन मई महीने तो रेगुलर ब्लॉग बना रहे, पूरा मई महीना बिल्कुल रेगुलर ब्लॉग बनाया, और ब्लॉग बहुत बढ़िया। मैं सारे ही दोस्तों को कहूँगा कि चौहान वीर का जो यूट्यूब चैनल आ उत्तराखंड वाला एक्सप्लोर, सबसक्राइब करो, तो कमेंट वगैरह करो। तो चौहान भाई इतने पंजाब आया, लुधियाने आया, तो इतने महसूस इस तरह हो रहा कि चौहान भाई भी असं उ गोविंद घाट पुला विलेज अभी बैठे हाँ,
मुझे भी मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि सर से तो मैं गोविंद धाम में मिल चुका था, आपके बेटे नहीं आए थे? नहीं नहीं, इस बार आएगा 2023 में, 2023 में जरूर दर्शन करने आएंगे वीर जी, दोनों सर भी आएंगे और बेटे भी आएंगे उनके, तो बहुत अच्छा लगा मिलके। अभी जाते जाते मैं मिला तो देखिए सर ने भाई मेरा स्वागत किया फूलों से, तो थैंक यू सो मच सर, इसके लिए तो कोई जरूरत नहीं थी, बट नहीं आपका प्यार है भाई, ये महसूस हो रहा है कि मैं गोविंद घाट गुरुद्वारा साहब के जो आप पास आपका जो विलेज है ना पुलना विलेज, आपको देखे यही महसूस है मैं वहाँ पे अभी घूम रहा हूँ मैं। अच्छा, आप वीडियो देखते हो? हाँ जी सारी देखते हैं, अभी कभी नहीं आए हेमकुंड साहिब, तो नेक्स्ट ईयर पक्का आएंगे है ना। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे सब मिल करके, तो अभी थोड़ी बातें बातें करेंगे फिर घर निकलूंगा मैं आराम से। तुसी इत्थे साडे कोल आए, मेरे पिंड जमालपुर वाला आए, तुसी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों अब मैं घर के लिए जा रहा हूँ, अवीर जी से मिलकर अच्छा लगा, अब सीधा श्री हेमकुंड साहिब में अगले साल मिलेंगे 2023 में। और थैंक यू यार, मिठाई दी है, ये फ्लावर्स दिए हैं, इतनी ज़रूरत नहीं थी, पर कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार है, आप भी आए, हमें भी मौका देना सेवा करने का, ठीक है। तो दुख निवारण साहिब पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम जो है जूते वगैरह निकाल करके यहाँ पे जमा करवाएंगे, सबमिट करेंगे, फिर आपको दर्शन करवाएंगे यहाँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ का कैंपस देखिए, ओपन स्पेस है और अभी रात का लगभग 8 तो बजी चुके हैं, 8 से भी ज़्यादा, लेकिन यहाँ भीड़ है लगातार जारी रहती है, कम नहीं होती, और क्योंकि मतलब बहुत फेमस प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब है यहाँ, इसलिए इस वजह से भीड़ रहती है इधर। तो देखिए यहाँ पे मार्केट भी रहता है और ऊपर जो है आप देख रहे हैं ना, ये फ्लाईओवर है, पुल है, ब्रिज है, वहाँ से बिल्कुल जो ये गुरुद्वारा साहिब है बिल्कुल एक अच्छे सुंदर चमकता है। जब मैं एक दिन रात में आया था तो रोड से भी वीडियो बनाई थी, तो बहुत अच्छी तरीके से चमक रहा था, बहुत ही भव्य जा रहे हैं, लगातार भीड़ जा रही है। और निशान साहिब के सबसे पहले आप आएंगे ना सामने पे दर्शन करेंगे, तो यहाँ पे आप दर्शन करें निशान साहिब के, और लोग आ रहे हैं लगातार, उधर पार्किंग भी है, तो चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। सकते हैं कितनी भीड़ होती है संगतों की, जो हमेशा मत्था टेकने दर्शन करने आते रहते हैं। गुरु तेग बहादुर जो सिखों के एक मतलब एक गुरुज में से आते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का यहाँ पे दौरा होता था अपने टाइम पे, जब उनका शासन काल था उस दौरान जब वो यहाँ आए तो यहाँ पे गांव बसता था पास में ही, ठीक है। तो वहाँ पे यही पे वो इलाका है आसपास जो गांव था, तो वहाँ पे बीमारी से ग्रसित काफ़ी पूरे गांव वाले ग्रसित थे, जिस वजह से जो है उन्होंने तेग बहादुर से याचना या आप प्रार्थना कह सकते हैं कि प्रार्थना की कि बीमारी से छुटकारा पाएँ। तो जब गुरु तेग बहादुर जी ने उनको आशीर्वाद दिया तो उनके मतलब आशीर्वाद से ही पूरे गांव की जो बीमारी थे, इतने बीमारी से ग्रसित थे, सब कुछ सही हो गया। तब से यहाँ पे इस गुरुद्वारे साहिब को उनके नाम पे बनाया गया है और पूजा जाता है, सॉरी अरदास की जाती है। तो कुछ ऐसा है भव्य गुरुद्वारा साहिब है, गुरु तेग बहादुर जी से ही जो है जुड़ा हुआ है भव्य गुरुद्वारा। तो यहाँ पे दुख निवारण बोला जाता है, दुखों का निवारण करने वाले गुरुद्वारा साहिब। यहाँ पे आप आए विनती लेकर के आएँ, जो भी दुख है वो ज़रूर आपके दुख दूर, अगर आप आते हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ वाहेगुरु जी सुनते हैं आपकी बातों को और आपके दुखों का निवारण करते हैं। जो भी आपकी विश रहती है, विनती रहती है, वो ज़रूर पूरी होती है। दिल से आए तो हम भी दिल से आए थे दर्शन किए, आप जा रहे हैं सर रात। तो दोस्तों फिलहाल आज का ब्लॉग इसी के साथ करते हैं समाप्त, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान।